इधर एसजीपीसी यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ज्ञानी रघुवीर सिंह को अकाल तख्त का नया जथेदार बनाया गया है। एसजीपीसी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। मौके पर एसजीपीसी के प्रधान हरप्रीत सिंह धामी ने प्रेस वार्ता करके इसका ऐलान किया। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह जो कि पहले जथेदार थे, उन्होंने खुद ही अपना पद छोड़ा है, जिसके कारण ग्रंथी सिंह रहे ज्ञानी रघुवीर सिंह को नया जजसा लगाया गया है। वहीं ज्ञानी रघुवीर सिंह का कहना है कि उनके लिए यह गर्व की बात है कि वह अकाल तख्त साहिब के जथेदार बने हैं और वह इस कार्य को बखूबी निभाएंगे और जो सिख कौम के आगे मुश्किलें हैं उनका हल करेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज दी ये विशेष कतरता 72 घंटे के नोट्स ते सदी गई सी, जेदे विच सारे ही समुचे तौर ते अहुदेदार साहबान ते सारे एग्जैक्टिव दे 11 मैंबर साहबान सारे पुजे चेचे तौर ते। सो धन्नवाद करदा हां कि जिन्ने भी मैंबर सी सारे वो अज दी मीटिंग दे विच सारे हाजिर होए। बड़े लंबे समय तो ये कई बारी कहण सुन चाहुंदा सी कि सिंह साहिबान सारे जिहड़े ओ एक्टिंग चले आ रहे आ। गुरबाणी दी भी बेदबी होंदी आ गुरुद्वारिआं च जा के, हुण तां शरेआम जिहड़े ने लोक जिहड़े बेदबीआं करदे ने, आपां किस तरह इहनूं तुसीं रीसेंटली संगत नूं की इस लई देखो बहुत सारिया अपील पंथों पेल भी कीतिया जाए भी करा और कोई जागरूकता मुहिम जी है वो ऐसे चलाने का यत्न करा कि जी जागरूकता संगत के पैदा की जाए, प्रबंधकों के जागरूकता पैदा की जाए ता कि गुरु साहब की जी पहरेदारी है उन्होंने लाजमी किया जाए। जेकर गुरु साहब की पहरेदारी लाजमी नहीं की जा सकती तो यह बड़ा औखा है कि बेदबियों में असं रोक पाइए।